जय चिनिंद्र। उपस्थित हूँ मैं नीलम जैन आप सभी के बीच फिर एक नए टॉपिक को लेकर। आज सारा विश्व कोरोना जैसी महामारी से जूझ रहा है। बड़े बड़े देश के वैज्ञानिक इसकी वैक्सीन की खोज में लगे हुए हैं, इसकी रोकथाम की वैक्सीन की खोज में लगे हुए हैं, पर सफलता हाथ नहीं लग रही। कभी कभी ऐसा होता है कि जहां बड़ी तलवार काम नहीं करती वहां छोटी सुई काम कर देती है। तो आइए हम भी एक छोटा सा प्रयास करें इसे बचने के लिए। आज का हमारा टॉपिक है मन की सोच। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। जब हमारा मन कमजोर होता है तो किसी भी कार्य में हम सफलता हासिल नहीं कर पाते हैं, और जब हमारा मन दुर्बल होता है तो कितने भी आसान कार्य हो पर हम उसे कर नहीं पाते। हमारे मन में हमेशा निरंतर अच्छे बुरे नकारात्मक और सकारात्मक विचारों का आना जाना लगा ही रहता है। हमारी समस्त प्रक्रिया जीवन प्रक्रिया का संचालन हमारे मस्तिष्क से होता है। मन का सीधा संबंध मस्तिष्क से है। मन में हम जिस प्रकार के विचार करते हैं हमारा शरीर वैसा ही उसी अनुरूप काम करने लग जाता है। जब हमारा मन किसी से डरा हुआ रहता है, किसी से हम डरे हुए रहते हैं, तो हमारा शरीर भी कमजोर सा पड़ने लगता है। क्योंकि मस्तिष्क से जब हम डरे हुए रहते हैं तो हमारी बॉडी में एक ऐसा स्राव होता है जिससे हम कमजोर से पड़ने लगते हैं, निस्तेज से दिखने लगते हैं, और जिस चीज से डर रहे हैं वो चीज हम पर हावी होकर अपने आप पे विजय प्राप्त कर लेती है। तो आइए इसे एक कहानी के माध्यम से हम समझते हैं। जैसे कि मैं अपने वीडियो में हर बात को कुछ उदाहरण के माध्यम से समझाती हूं, तो आइए इसे भी एक कहानी के माध्यम से देखते हैं। एक गांव के बाहर एक बहुत ही पहुंचे हुए साधु की कुटिया थी। वो अपनी कुटिया के बाहर एक दिन बैठा हुआ था, तभी वहां से एक परछाई गुजर रही थी। तो उस महात्मा ने, उस साधु ने उस परछाई को रोककर पूछा, तुम कहां जा रहे हो? तो उस परछाई ने कहा, मैं गांव की। उस साधु ने उसे पूछा, तुम कौन हो और कहां जा रहे हो? उसने कहा, मैं मौत हूं और गांव की ओर जा रही हूं, क्योंकि गांव में महामारी फैलने वाली है। साधु यह सुनकर चिंतित हो गया, उसका मन दुखी हो गया। उसने उस परछाई से, उस मौत की परछाई से पूछा, इस महामारी में कितने लोग मर जाएंगे? उस मौत की परछाई ने कहा, 1000 लोग। और ऐसा करके वह मौत की परछाई वहां से गांव की ओर निकल गई। गांव में महामारी फैल गई, 30,000 आदमी मर गए। फिर जब वो परछाई मौत की उस साधु के घर की ओर से, कुटिया की ओर से होकर जाने लगी, तो उस साधु ने उसे रोक के पूछा, इंसान तो झूठ बोलते ही हैं, क्या अब तुम भी झूठ बोलने लगे हो? तुमने तो कहा था सिर्फ 1000 आदमी ही मरेंगे इस महामारी से। उसने कहा, इस महामारी से तो सिर्फ 1000 आदमी ही मरे हैं, बाकी 29,000 सिर्फ डर और भय से कमजोर होकर मर गए हैं। इस कहानी से हमें शिक्षा लेने की जरूरत है। हालांकि कई बार परिस्थितियां बहुत ही भयावह होती है, हम चाहकर भी कुछ कर नहीं पाते, पर हम दृढ़ निश्चयी बनकर धीरे धीरे ही सही परिस्थिति को अपने काबू में कर सकते हैं। और कोरोना की इस महामारी में भी हम यही
हमें यही करना है, समझदारी से काम लेना है, दृढ़ निश्चय बनना है, डरना नहीं है, निडर बनना है, आत्मविश्वासी बनना। मैं आप सभी के उत्तम स्वास्थ्य की कामना करती हूँ। हम सभी सेफ रहें, हमारे परिवारजन सेफ रहें, ऐसी मैं भावना करती हूँ। अगर लगता है कि मेरी वीडियो उपयोगी है तो इन्हें शेयर कीजिए, और अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।